नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये थालपोस बनाना बनाऊंगी जो मैंने ये बना रखा है पहले से, और ये दो कलर की ऊन में बनाया है मैंने। यहाँ से मैंने शुरू किया है, ठीक है। यहाँ से मैंने 7 फंदे लिए थे, 7 से 8 फंदे लिए थे, उसके बाद मैंने ये डिजाइन शुरू किया है। और देखना, ये बहुत अच्छा डिजाइन है। तो इसको हम चाहे थालपोस बना सकते हैं या टेबल मैट बना सकते हैं, तो हम ये कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगा बनाने में और देखने में भी। देखो दो सुंदर बहुत सुंदर लग रहा है। ये दो कलर की ऊन में मैंने बनाया है। तो अगर मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। चलिए बनाना शुरू करते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, दो कलर की मैंने ऊन ले ली है और मेरा 11 नंबर का क्रोशिया है जो इससे मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे करके ये फंदा ले लूँगी और मैं 8 चेन बनाऊंगी। जो कि देखना, चेन मुझे ऐसे बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। बिना फंदा घुमाए हुए हम ऐसे करके और यहाँ से ले लेंगे जहाँ से हमने शुरू करा था, ऐसे करके। और इसको हम खींच के इस तरीके से हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे धागा घुमाऊंगी तो देखना जी, इसके बीच में से ये मैंने जो गोला बना रखा है इसके बीच में से मैं लेती हुई ऐसे करके जाऊंगी, ठीक है, ऐसे करके। इस तरीके से इसको मैं पूरा बना लूँगी। तो देखना, ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर आके जहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ पर आके इसको बिना फंदा घुमाए हुए यहाँ से मैं ऐसे करके बंद कर दूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरी ऊन जोड़ूँगी, ये देखिए। हम इसको यहीं पे कट भी कर सकते हैं और इस फंदे में वैसे भी हम निकाल सकते हैं, जो कि मैं ऐसे निकाल रही हूँ। ऐसे इसको खींच देती हूँ तो देखना, मैं यहाँ से 4 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4, 4 चेन बना ली। और मैं देखना, 1 2 3, ये तीसरी चेन में से यहाँ से मैं ऐसे फंदा घुमाऊँगी और इस तरीके से लूँगी डबल क्रोशिया, ये देखना, और मैं ऐसे बना दूँगी, ठीक है। दो दफ़े, 3 दफ़े लेना है मेरे को, सॉरी। ऐसे बना दिया, फिर से 1 दफ़े और लूँगी मैं इस तरीके से। एक चैन लूंगी और अब मैं यहाँ से छोड़ के इसमें लूंगी, एक छोड़ दूंगी, जो मैंने ये जो डबल क्रोशिया ले रखे, एक छोड़ दूंगी, धागा घुमाऊंगी और यहाँ से मैं लूंगी, ठीक है।
अब यहाँ से लूँगी तो अब मेरे को धागा दोबारा घुमाना है, दो दफ़े घुमाना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मैं बनाऊँगी, तो देखना, एक दो और ये तीन, बना दिया। अब मैं दोबारा से एक ही दफ़े फंदा घुमाऊंगी, धागा घुमाऊंगी और यहाँ से लूँगी, ये बीच में से यहाँ से छोड़ दूँगी और ये बीच में से मैं बनाऊँगी। ये दो डबल क्रोसिया हो गया हमारा, एक दफ़े में एक और बनाऊँगी। ऐसे करके तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे आएगा। फिर से देखना, एक चेन उतारूंगी, ठीक है। अब मैंने जैसे ये बनाया था, अब ऐसे चलेगा ये मेरा डिज़ाइन। एक एक छोड़ दूंगी मैं यहाँ से और इसमें से बनाऊंगी, दो दफ़े धागा घुमाऊंगी और यहाँ से मैं लेती हुई ऐसे करके, ऐसे करके बना दूंगी। अब मैं दोबारा एक दफ़े फंदा लूँगी, एक ही दफ़े घुमाना है दोबारा, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। तो देखना, मैंने ये लाइन बना ली है, इसमें से मैं एक दफ़े और बनाऊंगी बिना फंदा, एक ही घुमाना है, एक दफ़े ही घुमाना है, दूसरी दफ़े नहीं घुमाना है, ठीक है। इस तरीके से एक चैन बनाऊंगी और मैं यहाँ पर आके ये एक फंदे से बंद कर दूँगी, तो मेरा इस तरीके से आएगा, ये देखना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर से मैं तीन चेन बनाऊंगी, एक दो तीन, तीन चेन बनाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे और इनके बीच में से ऐसे निकालूंगी। ये फंदा हमें साथ में रखना, पूरा नहीं बनाना है, ऐसे धागा घुमाऊंगी, ऐसे दो बना दूंगी, ये तीन हो गए मेरे, और फिर से ये दो बना दूंगी, मेरे ये चार फंदे हो गए, ठीक है। अब ये चारों फंदों को एक साथ में, ये तीन फंदों को बनाऊंगी ऐसे करके, ये दो फिर रह गए हमारे, ऐसे बना दो, तो मेरा ये डिज़ाइन ऐसे आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, पांच चैन उतारूँगी, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन उतारी और हम फिर इसे इसमें जैसे हमने ये बनाया ऐसे इसमें बनाना है। यहाँ से लूँगी इधर से, ये बना दूंगी, फिर ऐसे लूंगी, फिर से ऐसे बनाऊंगी, तीन फंदे हो गए हमारे, फिर धागा घुमाऊंगी और मैं यहाँ से फिर से ले लूंगी और मैं ये दो धागे फिर फंदे दो बना दूंगी, मेरे फिर से चार रह गए। अब से देखना, फिर से देखना, ऐसे करके इनके बीच में से ये तीन फंदे मैं बना दूंगी, ठीक है। दो फंदे बचे, अब ये लास्ट में मुझे बनाने हैं, तो मेरा ये डिज़ाइन इस तरीके का है, देखना। पांच चेन बनाऊंगी, एक दो तीन चार पांच, फिर से देखना, ये देखना, यहाँ से लूंगी
इकोने पैसे, दो बना दूंगी, फिर से यहाँ से लूंगी, फिर से ये दो बना दिए, लास्ट का मैं यहाँ से लूंगी, फिर से दो निकाल दिए, चार रह गए। ये देखना, अब ये मैं तीन फंदे इस तरीके से बनाऊंगी।